तो दोस्तों वेलकम टू निपुण लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों आज आज है PAT का रिजल्ट। तो आप अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं तो आप CGVIPM के वेबसाइट में जाके देख लेना। मैं कमेंट बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो इस बार रिजल्ट मैं सोचा नहीं था इतना हाई आएगा, मतलब 165 नंबर टॉपर क्या है। बहुत जन को बोल के रखा था कि 120 नंबर ले आओ आपको रायपुर मिल जाएगा, तो अब इस बार अब शायद ही है ऐसा होना, क्योंकि टॉपर का ही 150 में क्लोज हो रहा है। अब टॉप 10 150 में क्लोज है। पिछले बार 129 टॉप 10 का आया था, मतलब टॉप 10 में 129 तक का था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बहुत ज़्यादा नंबर आ गया है। तो अब मैं बोल नहीं सकता कि 130 को भी रायपुर मिले, तो अब देखते हैं ट्रॉन्सलिन में कैसा होता है। अब रैंक कितना आया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उस हिसाब से मैं देख के बता दूंगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और अगर बात करें अब क्या करना है, अब तो आ गया रिजल्ट, आपका रैंक भी आ गया। अब रैंक में भी बहुत सारे रैंक होते हैं, अगर आप OBC फीमेल हो तो आपका आएगा OBC फीमेल रैंक, आपका आएगा ओवरऑल रैंक, आपका आएगा OBC रैंक, और आपका अगर फार्मर्स में डाले हो तो आपका फार्मर्स रैंक। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ओवरऑल रैंक पे ही जाओ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ रायपुर की, तो रायपुर कॉलेज टॉप 100 रैंकर्स को ही मिलता है। आपका अगर रैंक आया है 120-130 तो आपको मिलने का चांस है। और बिलासपुर भी वही है, अगर आपका आ गया है 200 से अंदर तो आपको बिलासपुर मिल सकता है, रायपुर बिलासपुर मिलने का चांस है। और उससे ज़्यादा आया तो फिर दूसरे भी कॉलेज है, मैं बता दूँगा आपको कौन से कॉलेज में मिल जाएगा। आप अपना रैंक कमेंट बॉक्स में बता देना और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब मैं बात करूँ अब काउंसलिंग कब से चालू होगी, बहुत जन पूछे काउंसलिंग कब से चालू हो रही है, तो अब अभी तो डेट ऐसा कोई काउंसलिंग का आया नहीं है, तो कुछ ही दिन में काउंसलिंग भी चालू हो जाएगा। और काउंसलिंग आपका IGTV के वेबसाइट में ऑफिशियली वेबसाइट होता है IGTV के, वहाँ से काउंसलिंग हो रहा है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कैसे काउंसलिंग होता है। तो अभी बात करते हैं रिजल्ट की। तो अब आप टॉप के कॉलेजेस तो जानते ही हो, रायपुर बिलासपुर अमृतापुर। तो जब भी आप काउंसलिंग में भरें तो आप वही सिचुएशन वाइज भरें। और रिजल्ट इस बार बहुत ज़्यादा हाई आया है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, 61-65। तो इस बार पेपर इजी था इसलिए इतना ज़्यादा आ गया, क्योंकि 2-3 साल हो जाए इतना ज़्यादा नंबर शायद ही आया है। पिछले बार 139 आया था, उससे पहले भी उतना ज़्यादा नहीं आया था, 165 इस बार चले गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका भी अच्छा मार्क्स आया है। और आपका अगर 3000 रैंक के अंदर है तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज तो 1000 रैंक के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। अगर आपका 3000 के अंदर, 3000-4000 के अंदर है तो आपका चांस है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, लेकिन अब इस बार बोल नहीं सकता। अब आप अपना रैंक बताओगे उस हिसाब से मैं तो बताऊँगा कौन से कॉलेज मिलने का चांस है। तो कुछ ही दिन में काउंसलिंग चालू हो जाएगा दोस्तों, तो काउंसलिंग का फॉर्म के बारे में भी मैं बता दूँगा। और मेरा आज तबीयत भी ख़राब है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना दोस्तों। और आपका बहुत सारा क्वेश्चन था कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है, किसको मिलता है, गवर्नमेंट जॉब वाले को स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप भी मिलता है OBC को, ST को, SC को। तो लेकिन गवर्नमेंट जॉब में, अगर उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, तो नहीं मिलता दोस्तों स्कॉलरशिप। उसका इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और इनकम सर्टिफिकेट में आपको डालना पड़ता है 2 लाख के अंदर ही हो तभी बनता है। तो शायद ही रहता है स्कॉलरशिप मिलना।
और आपका कोई क्वेश्चन हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टा आईडी है निपुण लाइफ स्टाइल करके इंस्टा आईडी है, तो आप वहाँ मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहाँ मैं आपका आंसर ढूंढ रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, तो आपको अगर मेरे से पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना है आप डीएम कर सकते हैं। निपुण लाइफ स्टाइल मेरा इंस्टा आईडी है। हाँ, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल का फीस, मैं हर चीज़ मेरे ब्लॉग देखते हो रहे तो उसमें मैं बताते रहता हूँ। हॉस्टल का फीस कैसा है, हॉस्टल का खाना कैसा है, तो आप वहाँ से जा कर देख सकते हैं दोस्तों। और मेरे वीडियो तो कर देना लाइक दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना रैंक जरूर बताना और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए ये भी बताना। और बहुत सारे चीज़ें होते हैं दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं जो कि इस सेमेस्टर के बाद होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब अगर आपको रायपुर मिला है और आपको जाना है बिलासपुर तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो अगर आप बोलो तो वीडियो बना के बताऊँगा। और इस्कॉलरशिप के बारे में भी तो मैं बता दिया, और आईसीआर का भी एग्ज़ाम के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, इंटरव्यू वीडियो बन चुका है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और हॉस्टल कौन कौन सा हॉस्टल है ये भी सब बता चुका हूँ, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप बता देना आपका कितना रेंट आया है। तो आज के वीडियो तो यहीं पे करते हैं ख़त्म दोस्तों, चूँकि मेरा तबीयत है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए और बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आप लोग के लिए ही तुरंत वीडियो बनाया हूँ। तो मेरे वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो तो शेयर करो दोस्तों। आप वीडियो तो शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे ऐसे शेयर कर दो। तो आज के वीडियो कर देते ख़त्म दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।